वेलकम टू मेक्टागीस वीडियो टू स्ट्रोक पेट्रोल अंड डीजल इंजनो वर्किंग पता पाकपो इंटरनल कंबस्टन इंजन स्ट्रोक अभी नम्बर क्लासिफाई पड़ोना आईसी इंजन रे विकला फोर स्ट्रोक इंजन इन टू स्ट्रोक इंजन आलरे फोर स्ट्रोक इंजनो वर्किंग वीडियो ना पटर अंत वीडियो पाक की वो डिस्क्रिप्शन लिंक को पातीटे वीडियो पाती अब उन्नवी इंजन उ नालु स्ट्रोक वो कंपलसरिया सक्शन इन कंप्रेशन अदक एक्सपेंशन एग्जास्ट टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक डिफ्रेंट अब पाती फोर स्ट्रोक इन नालु स्ट्रोकमें सेपरेटा सरिया टू स्ट्रोक पाती सक्शन कंप्रेशन और स्ट्रोक एक्सपेंशन एग्जास्ट इन स्ट्रोक सक्शन कंप्रेशन स्ट्रोक और पेर अब अपवर्ड स्ट्रोक अब एक्सपेंशन एग्जास्ट स्ट्रोक डाउनवर्ड स्ट्रोक अब अपवर्ड स्ट्रोक अब पिस्टन एपड़ी मूव आगो अपवर्ड डायरेक्शन मूव आगो बीडीसी टीडीसी को मूव आगो अदे मारी डाउनवर्ड स्ट्रोक अब पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव आगो टीडीसी बीडीसी को मूव आगो अपवर्ड स्ट्रोक सक्शन कंप्रेशन डाउनवर्ड स्ट्रोक एक्सपेंशन एग्जास्ट ओके टू स्ट्रोक पाती रेवल्यूशन नमक और पवर टू स्ट्रोक और रेवल्यूशन और पवर कातना फोर स्ट्रोक रे रेवल्यूशन नमक और पवर स्ट्रोक वो कम वर्किंग पाकल टू स्ट्रोक पेट्रोल अंड डीजल इंजनो कंस्ट्रक्शन पाती फोर स्ट्रोक इंजन नम्बर यूस पड़े कंस्ट्रक्शन और सिंपल मॉडिफिकेशन पुरीदा सो एज यूजुअल सिलिंडर पिस्टन कनेक्टिंग राड वो पिस्टन क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट पड़ो वो कामन इनलेट आउटलेट पोर्ट अब रे इन एक्स्ट्रा पाती ट्रांसफर पोर्ट अब इनदा सो इत पाती इनलेट इत वो एक्सास्ट पोर्ट इंटर इत वो ट्रांसफर पोर्ट ओके मूणु पोर्ट वो इतना फोर स्ट्रोक इंजन नम्बर वाल्वन टू स्ट्रोक इंजन नम्बर पोर्टन फर्स्ट वो अपवर्ड डायरेक्शन पिस्टन वो मूव आगे सिलिंडर टॉप डेड सेंटर इत बॉटम डेड सेंटर इत अभी अपवर्ड डायरेक्शन मूव आगे फर्स्ट एंत ओपन आगो अब पातना इनलेट ओपन आगो इनलेट ओपन आचना वो वैकम क्रियेट आंद वैकम फिल पड़क फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सर वो सो इतिया सरिया सो सम अमाउंट ऑफ एयर फ्यूल मिक्स ट्रांसपोर्ट पोर्ट निरंबर इतना अब पा पिस्टन के मेल इन अब ट्रांसफर पोर्ट आलरे वो पिस्टन कीकाल फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सर कंबस्टन चैंपर को कंबस्टन चैंपर इतना सरिया कंबस्टन चैंपर इन एयर फ्यूल मिक्सर इयर फ्यूल मिक्सर पड़े अब अपवर्ड डायरेक्शन अंत कंबस्टन चैंपर एयर फ्यूल मिक्सर कंप्रेशन आगे अपवर्ड स्ट्रोको एंड नमक अब पा स्पार्क प्लग वो इन पड़ो स्पार्क सरिया सो नम्बर पेट्रोल इंजन नाम इतना स्पार्क प्लग वो स्पार्क प्लग वो स्पार्क सो स्पार्क नमक बर्निंग अर्निंग और प्रेशर अंत प्रेशर पिस्टन मेल पड़ो पिस्टन इन पड़ो की नोकी वो अड़ स्टोक डाउनवर्ड स्ट्रोक डाउनवर्ड स्ट्रोक की वर्द पिस्टन टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर के डाउनवर्ड डायरेक्शन की वर्द सरिया इप्पो कीले वरम्बोधु नमक्कु इंद इडत्तुल अदावदु पिस्टनुक्कु कीले इरुक्कक्कूडिय एरियावुल पोन स्ट्रोक अपवर्ड स्ट्रोक फिल आना एयर फ्यूल मिक्सर वंदु कंप्रेस आगुम इंगे उल्ल कंप्रेस आगुमा इप्डी कंप्रेस आगुम्बोधु ट्रांसफर पोर्ट अप्पो ओपन आगुम ट्रांसफर पोर्ट अप्पो ओपन आगुम्बोधु एन्न नडक्कुम इंद फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सर कंबस्टन चैम्बरुक्कुल्ल पोयिरुम सरिया सो इंद फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सर कंबस्टन चैम्बरुक्कुल्ल पोगरदनाल इदुक्कु मुन्नाडि ऐनो अब एक्सास्ट पोर्ट वो ओपन आगे सो अस्ट पोर्ट ओपन आगे
அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆயிரும், அதாவது அட்மாஸ்பியரிக் போயிடும். இப்போ பிஸ்டன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அப்வார்டு ஸ்ட்ரோக் நடக்கிறதுக்காக மறுபடியும் மேல் நோக்கி வரும். ஸோ இது வந்து ஒரு சைக்கிள். இந்த சைக்கிள் பார்த்திங்கன்னா டூ ஸ்ட்ரோக் பெட்ரோல் இன்ஜினில் ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் ரிப்பீட்டடாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ நம்ம டூ ஸ்ட்ரோக் டீசல் இன்ஜினை பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம டூ ஸ்ட்ரோக் டீசல் இன்ஜினோட ஒர்க்கிங்கை பார்க்கலாம். பெட்ரோல் இன்ஜினுக்கும் டீசல் இன்ஜினுக்கும் மெயினான டிஃப்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, பெட்ரோல் இன்ஜினில் ஏரும் ஃபியலும் மிக்ஸ் ஆகி கம்பஸ்டன் சேம்பருக்குள்ளே போகும். டீசல் இன்ஜினில் ஃப்ரெஷ் ஏர் மட்டும் உள்ளே போகும். ஸோ இந்த இடத்துல ஃப்ரெஷ் ஏர் மட்டும்தான் உள்ளே போகுது. ஸோ மற்றபடி எல்லாமே சேம் ப்ராசஸ் தான். இப்போ பிஸ்டன் மேல் நோக்கி போகுது, அப்போது இன்லெட் போர்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகுது, அப்போது ஃப்ரெஷ் ஏர் மட்டும் உள்ள கிராங்க் கேஸ்க்குள்ளே போகுது. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேலே பிஸ்டனுக்கு மேலே கம்பஸ்டன் சேம்பருக்குள்ளே டிரான்ஸ்ஃபர் போர்ட் வழியாக ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து உள்ளே போகுது. ஸோ அப்போது அப்வோர்டு ஸ்ட்ரோக் அப்போ மேலே பிஸ்டனுக்கு மேலே கம்ப்ரஷன் நடக்குது, பிஸ்டனுக்கு கீழே சக்ஷன் க்ரியேட் ஆகுது. இப்போது கம்ப்ரஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபியல் இன்ஜெக்டார் இந்த இடத்துல வச்சுருப்போம். ஃபியல் இன்ஜெக்டார் வந்து வச்சுருப்போம். அந்த ஃபியல் இன்ஜெக்டார் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபியலை ஸ்ப்ரே பண்ணும், அதாவது டீசலை ஸ்ப்ரே பண்ணும். அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது கிடைக்க உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரெஷரில் கம்பஸ்டன் நடக்கும். கம்பஸ்டன் நடந்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த பிஸ்டன் வந்து கீழ் நோக்கி வர ஆரம்பிக்கும். ஆரம்பிக்கவுடனே ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகும். அப்போது அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் வழியாக வெளியில் போயிடும். இப்போது கீழே டவுன்வோர்டு ஸ்ட்ரோக் அப்போது கீழே கிராங்கேஸில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் போர்ட் வழியாக என்னாகும், கம்பஸ்டன் சேம்பருக்குள்ளே வரும். அப்படி கம்பஸ்டன் சேம்பருக்குள்ளே வரும்போது எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் இருக்கும் மேலே, அந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸை புஷ் பண்ணி மறுபடியும் என்ன பண்ணும், இந்த எக்ஸாஸ்ட் போர்ட் வழியாக அனுப்பும். ஓகே, இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஸ்கேவெஞ்சிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ பிஸ்டன் பிடிசிலேருந்து டிடிசி போயிட்டு டிடிசிலேருந்து மறுபடியும் பிடிசி வர்றது ஒரு சைக்கிள். இந்த சைக்கிள் ரிப்பீட்டடாக நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ பெட்ரோல் இன்ஜினில் ஏரும் ஃபியலும் மிக்ஸ் ஆகி உள்ளே போகும், டீசல் இன்ஜினில் ஃப்ரெஷ் ஏர் மட்டும் உள்ளே போகும். அது ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினாக இருந்தாலும் சரி, டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினாக இருந்தாலும் சரி. ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோவில் டூ ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினோட ஒர்க்கிங் நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.